नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा धीरे धीरे महानगर की शक्ल ले रहा है। शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गई है। हर चीज के लिए एक व्यवस्थित बाजार बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। पिछले दिनों कलेक्टर रीवा ने अपने दौरे के दौरान देखा था, ईंट मंडी और रेत मंडी रतहरा में जिस जगह पर है वहाँ होना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया, इस मंडी को दूसरी जगह ले जाया जाए। अधिकारी कर्मचारियों ने कोस्टा में एक जगह चुनी, जिस जगह पर पहले कचरे का ढेर अंबार लगा करता था, या यूं कहा जाए कचरा एकत्र किया जाता। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आज रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। उनका साफ तौर से कहना था, ये जगह श्मशान के लिए आरक्षित है, पास में स्कूल है, तमाम तरीके के और भी सरकारी छोटे छोटे कार्यालय हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से ईंट मंडी और रेत मंडी नहीं होनी चाहिए। ईंट मंडी और रेत मंडी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल यहीं पर है, जिसकी वजह से उनको लगातार परेशानी होगी। हम चाहते हैं इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। पूरे मामले को लेकर हमने रीवा के कलेक्ट्रेट में मौजूद इस बात का विरोध दर्ज कराने आए पूर्व सरपंच और स्थानीय नेताओं से इस बारे में बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं शेषमणि पूर्व सरपंच और जितेंद्र मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं क्या? जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर जनता के समर्थन में आया हूँ। ये रतहरा में जो ईंट की मंडी लगती थी उसको स्थानांतरित किया जा रहा कुष्टा गांव में। कुष्टा गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, जहाँ पे ये मंडी स्थापित करने की इनकी योजना है, वहाँ पे स्कूल है, महर्षि स्कूल है, गांव का प्राथमिक विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहाँ के गांव के लोगों को बड़ी असुविधा होगी इससे। वहाँ मंडी स्थापित हो जाने से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे। भाई स्वाभाविक है कि जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक खड़े होंगे, कोई भी वाहन खड़ा होगा, तो वहाँ के बच्चों के माता पिता निश्चित चिंतित होंगे, उनको असुविधा महसूस होगी। इसी मुद्दों को लेकर आज कलेक्टर मैडम से मिलने जनता के साथ आया हूँ और उनसे ये मांग रखूँगा कि भाई जनहित के मुद्दे को देखते हुए, जनता की समस्याओं को देखते हुए मंडी को कुष्टा गांव में स्थापित ना किया जाए, कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ आया हूँ कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने, और इसके लिए वहाँ की जनता जनार्दन परेशान है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जनता के साथ वहाँ धरना भी दिया जाएगा, जनता अनशन करेगी। ये भी लोग वहाँ की मांग कर रहे हैं कि धरने में हम लोग बैठेंगे, हम भी उनके साथ देंगे। भाई जनता है हमारे क्षेत्र की। नाम बता दो। जितेंद्र मिश्रा हूँ। किन समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय आए हैं, क्या मांगे आप? हम जो हमारे यहाँ की समस्या है, तो पहले कचरा प्लांट था वहाँ पे, और कचरा प्लांट तो हट गया है, लेकिन अब जो है वहाँ ईंटा और ये सीमेंट वालू का भट्ठा ले जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है जो हरिजन आदिवासी हैं उनकी माने श्मशान भूमि है वो, और अगर वहाँ ये माने अतिक्रमण हो जाएगा शासन का, तो इन लोगों के लिए कोई वहाँ ऐसी माने शासकीय ज़मीन नहीं है, ये लोग अपना वो श्मशान बनाएंगे। तो वही माने तारतम्य में आए थे कि कलेक्टर साहब जो है थोड़ा इन माने हरिजन आदिवासियों का ध्यान दें, और माने अन्यत्र स्थान पे उसको जो है ले जाएं कहीं पे, यही हम लोगों की मांग है। शेषन पांडे सरपंच है? नहीं, पूर्व थे। पूर्व जी।